हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हुआ हूँ कि मैंने ट्विटर पे एक हैशटैग ट्रेंड होता हुआ देखा है आज ही कल में। वो आपने थंबनेल में देखा होगा, वो है पीएम का देश को धोखा। तो मैं इस पे थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और मैं अपने पर्सनल ओपिनियन रखना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं क्या समझता हूँ, जो मेरी छोटी या संकुचित सोच, मान लो आप कह सकते हो छोटी सी जो बुद्धि है मेरे अंदर, तो वो मैं उससे रिलेटेड बात करूँगा। मैं यहाँ पे केवल अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ और मैं ये बताऊंगा कि कैसे पीएम ने, आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब पीएम ने धोखा दिया है या नहीं। और आपकी राय क्या है वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, जो एंटी मोदी लोग हैं उन लोगों ने ये हैशटैग मतलब चलाया हुआ है, ट्रेंड करवाया हुआ है। तो पहला मैं यहाँ पे उनका ट्वीट पढ़ना चाहूंगा। देयर इज अ गोइंग टू बी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग्स HCQ इन इंडिया। ट्राई कॉलिंग अप योर लोकल फार्मेसी एंड यू विल फाइंड आउट द मेडिसिन इज इंट अवेलेबल एनी मोर बिकॉज पीएम मोदी डिसाइडेड टू सेंड इट टू US टू ऑब्लिग हिज फ्रेंड ट्रम्प। तो ये लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मतलब जो आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में अभी तक, कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा है, ड्रग है, वो मतलब इफेक्टिव पाई जा रही है कई केसेस में COVID-19 के ट्रीटमेंट में। तो ये लोग ऐसा मतलब पेंडेमिक सिचुएशन में ये लोग ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि मतलब उनको, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दवा जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दवा अवेलेबल है और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में पूरे सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो इंडिया अकेले प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ सकते हैं, जब वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है तो उसके पास पर्याप्त मात्रा होगी, पहले वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है, उसके बाद जो बची हुई दवा है वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, यानी कि दूसरे देशों की मदद भी कर सकता है। उसी में 30 देश ऐसे हैं जिन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा जो है वो मतलब इंडिया से मांगी है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि इंडिया की जो वर्ल्ड लेवल पे इमेज है वो कितनी सुधर सकती है। तो जो एंटी मोदी है वो ये बात नहीं समझेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सही टाइम रहते हुए भी लॉकडाउन कर दिया, मतलब सही टाइम पे लॉकडाउन कर दिया। उससे भगवान का शुक्र मानिए कि हमारे यहाँ कोरोना की सिचुएशन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो हमारे यहाँ लिमिटेड केसेस हैं और जिनको ट्रीट करना आई थिंक पॉसिबल है, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा अभी तक की जो सिचुएशन है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं, जो ये अगेंस्ट जो बोलते हैं पीएम के अगेंस्ट में, तो वो ये तो ये भी कह सकते हैं कि टाइम पे नहीं मतलब उन्होंने कोई मेजर्स वगैरह लिए, तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं उनका नहीं बोलना चाह रहा, मेरा मोटो ये है वीडियो बनाने का कि आप किसी भी मतलब झांसे में ना आइए और डरिए मत बिल्कुल भी। हमारी गवर्नमेंट पूरी जागरूक है, पूरी कोशिश कर रही है इस पैंडेमिक सिचुएशन को रोकने की। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन सही टाइम पे किया तभी जो कोरोना के केसेस हैं इतने नंबर नहीं बढ़ा, और जब नंबर नहीं बढ़ा तो हमारे पास जो लिमिटेड नंबर ऑफ मास्क और वेंटिलेटर्स वगैरह थे तो उनसे हमारा अभी तक काम चल रहा है। और भी जो मतलब और भी जो नीड है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पूरी कर रहे हैं अभी तक, सारी जो कुछ भी है। और ज़्यादा सिचुएशन नहीं मतलब ख़राब हुई अपने यहाँ देश में, तो अगर जो दवा हमारे पास मान लिया ज़्यादा है तो हम क्यों ना दें दूसरों को। आपको पता होगा कि भारत जो है मतलब ह्यूमैनिटी में बिलीव करता है कि कोई भी देश हो मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे मतलब इंसानियत के नाते वो दे सकता है दवा। जब अपने यहाँ अगर जो नहीं ज़रूरत है तो दूसरों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है मेरी समझ में, तो वो दे सकते हैं। और दूसरी बात, एक मतलब पीएम मोदी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आप देखिए, मेरे ध्यान में लाया गया है कि कुछ लोग यह मुहिम चला रहे हैं कि 5 मिनट खड़े रहकर मोदी को सम्मानित किया जाए। पहली नज़र में तो यह मोदी के विवादों में घसीटने की कोई खुराफात लगती है। तो मतलब वो लोग, उन लोगों को मतलब जो हम लोगों ने थाली बजाई थी या लालटेन वगैरह या लैंप फ्लैश लाइट वगैरह जलाई थी, उनको उस चीज़ का मोटो वगैरह पता नहीं है। मतलब जो एंटी मोदी हैं वो कुछ भी करेंगे, बस मोदी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको कहीं से किसी भी कोई भी सपोर्ट तो करनी नहीं है, और प्लस उनको विवादों में घसीटना है। उनका कहने का मतलब ये है कि आप मतलब मोदी के लिए क्लैप करिए। मतलब क्या समझ सकते हैं उनकी कितनी तुच्छ सोच है, अगर जो ये करना चाहते हैं। तो उसका हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जवाब भी दिया कि हो सकता है कि यह किसी की स्वेच्छा हो, मतलब कोई अपने मन से चाहता हो कि मोदी की मतलब रिस्पेक्ट करना, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि विवादों में घसीटना चाहते हैं।
तो भी मेरा आग्रह है कि यदि सचमुच में आप मन से इतना प्यार प्यार है और मोदी को सम्मानित ही करना चाहते हैं, तो एक गरीब परिवार की जिम्मेदारी कम से कम तब तक उठाएं जब तक कोरोना वायरस का संकट है। मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता। तो ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मतलब ट्वीट थी कि अगर जो आप उनको सम्मान देना चाहते हैं, तो एक गरीब परिवार की कम से कम आप मदद करें, उसका खर्चा तब तक उठाएं जब तक ये कोरोना की सिचुएशन बनी हुई है देश में। इससे बड़ा सम्मान उनके लिए नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात कही है। और मैं जानता हूं कि अगर जो अपोजिशन में आप हैं, तो अपनी गरिमा जरूर बनाए रखें कि मतलब ऐसा ना करें कि कोई अगर जो देश के हित के लिए भी कोई काम हो रहा है, उसमें भी आप नुस्ख वगैरह निकाल रहे हैं, उसमें भी टांग खींच रहे हैं। तो वरना मतलब देश की जनता जो ये देख रही है वीडियो, बहुत समझदार है। अगली बार अगर जो ऐसा ही रहा ना, अगर जो आप ऐसे ही हर मतलब अच्छे काम को भी आप बुरा समझ के पेश करोगे, तो जनता समझदार है, सब समझती है, और अगली बार अपोजिशन में भी नहीं मिलोगे। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब अपनी कम से कम रेपुटेशन बना के रखो। ऐसा नहीं है, वैसे भी हम मतलब देख सकते हैं कांग्रेस की इमेज क्या है। बस मैं कहना ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर जो अपोजिशन में हो, तो अपनी भी कुछ स्टैंडर्ड बना के रखो कि अगर जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, तो उसको सपोर्ट करना सोचो। मतलब देश पहले है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ी नहीं हो गई कि मतलब देश से ऊपर हो गई। मेरा ये ओपिनियन है, आपके क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट में रखिए कि मोदी मतलब क्या धोखा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं धोखा, वो आपका ओपिनियन हो सकता है। मैं बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।